एक के बाद एक शहर बर्बाद हो गया. सिटी ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड या सिटी ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड. यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखा है. पहले सेंटेंस में मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया यानी सिमिलर वर्ब का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया यानी एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया. तो यहाँ आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है. यहाँ आपके पास है 5 सेकंड्स. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत. यहाँ आपका टाइम शुरू होता है. आपका टाइम खत्म हुआ. अगर आपका आंसर है कि दूसरा वाला सेंटेंस सही है तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि जब किसी एक नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आ जाए और उसके बाद पहले वाले नाउन को दोहरा दिया गया हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है सिटी, उसके बाद आया है एक प्रेपोजिशन जो है आफ्टर, उसके बाद नाउन को दोहरा दिया गया है यानी मैंने लिखा है सिटी. तो जब कंडीशन ऐसा हो तो आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा सिंगुलर, यानी इस सूरत में आप एक वचन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो इस तरीके से पहला वाला सेंटेंस सही है यानी सिटी आफ्टर सिटी वर डिस्ट्रॉयड बोलना सही है. एक के बाद एक जहाज रवाना किया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शिप आफ्टर शिप वॉज सेल्ड. यह मैंने अपने सेंटेंस से बोला वॉज यानी एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया. एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मिस फॉर्चून आफ्टर मिस फॉर्चून इज हैपनिंग, यानी एक के बाद एक मुसीबत आ रही है. यह मैंने अपने सेंटेंस में एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जो था इज. तो उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि जब किसी एक नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आए उसके बाद उसी नाउन को दोहरा दिया जाए, तो इस सूरत में आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे.